हेलो दोस्त, आपका टेक्निकल पेटीएम प्रो में स्वागत है। आज की वीडियो है MI 7A के फोल्डर को कैसे रिपेयर करते हैं, वो भी विथ मशीन। चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं कैसे रिपेयर करता हूँ MI 7A के फोल्डर को। पहले सिंपली वो तो आप लोग जानते हैं, काट के टच चिपकाने के बाद। देखिए इसमें सिंपली आपको करना क्या है, मशीन के अंदर डाल देना है। डालने के बाद इसको ये सब अच्छे से कर लेना है प्रॉपर। बिल्कुल देखिए यहाँ पे ऊपर फंसा दीजिए और यूँ हल्का कर दीजिए, जिससे क्या होगा ये पत्ता दबेगा नहीं। अब इसको यूँ बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद साथ ही साथ में इसको स्टार्ट कर दीजिए। इसी तरह की वीडियो मैं लाता रहता हूँ मेरे चैनल को। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। इससे क्या होगा, जो मैं नई वीडियो लाऊँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी सबसे पहले। और काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं इस समय कि भाई सैमसंग A50 का FRP तोड़िए। तो ठीक है भाई, मेरे पास जैसे ही कोई कस्टमर का फ़ोन आता उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। और ये ट्रिक बाजी नहीं होगी कि बहुत लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर करके फिर उसके बाद करते हैं, ट्रिक बाजी नहीं। मैं आपको क्लियरिटी दिखाऊँगा इसमें कैसे होता है। पहले आपको फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश करने के बाद ओल्ड फ्लैश चाहिए, उसमें अपडेट करके न्यू रहता है उसको ओल्ड कहते हैं, ओल्ड फॉर्मवेयर से आपको फ्लैश करना पड़ेगा। फ्लैश करने के बाद तब वो ऑप्शन आता है रिमूव होने वाला। देखिए जैसे कहते हैं यहाँ पर 80 सेकंड का लगा हुआ है दोनों। ये पहले वैक्यूम का 80 सेकंड है, उसके बाद प्रेसिंग का 80 सेकंड। ऐसे नॉर्मली हो जाएगा। और ये मेरा कंप्रेसर हो गया, ये वैक्यूम पर, और ये मेरा बबल रिमूवर। इसमें फटने के चांस बहुत कम होते हैं इसलिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। यही भी है, और ये देखिए इससे मैं बूस्ट करता हूँ। ये 850 रुपये का आया था और बहुत ही अच्छी चीज़ है। नॉर्मली 80% मेरे 80 या 90% एंड्रॉयड मोबाइल इसे बूस्ट हो जाते हैं आराम से। इसके बाद बबल रिमूवर में डालेंगे, जैसे ही हो जाएगा होने के बाद बबल रिमूवर में डालना हम लोगों को। इसके लिए सिंपली करना क्या होगा, इसको हटा देना होगा, इसको निकाल लेना होगा। निकालने के बाद हम लोग को देखना है कैसी क्लियरिटी आई है। ये देखिए बिल्कुल ही गायब हो गया, देख रहे हैं बिल्कुल माइनर है जो। देखिए बिल्कुल माइनर है। इसको क्या करेंगे, सिंपली इसमें डाल देंगे, इसमें डाल के इसको भी स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के लिए मुझे नॉर्मली करना क्या होगा, इसको निकालना होगा, प्लग उठाना होगा यहाँ से जिसका प्लग है, उसके बाद चार्जिंग को हटानी होगी मुझे अपने। चार्जिंग को हटाने के बाद सिंपली मुझे यहाँ पे ये एंटर कर देना। एंटर करने के बाद देखिए नॉर्मली स्टार्ट पर प्रेस कर देना, देखिए 2 मिनट 5 मिनट का मैंने तो टाइम सेट कर रखा है, लेकिन 2 मिनट में चलाऊंगा आप लोग को दिखाने के लिए। ये कंप्रेसर है, इसमें हवा भरी रहती है और उसी से पंचिंग होती है। एक कस्टमर करा रहा किसी जगह से, तो उसमें बबल आ गए थे,
तो कस्टमर ने मेरे पास दिया है कराने के लिए उससे। मुश्किल से मुश्किल 2 मिनट में रखूँगा, 2 मिनट। MI 7A का फोल्डर है ये, जो अभी नया लॉन्च हुआ था कुछ दिन पहले। और मैं आपको सॉरी, मुझसे मिस हो गया एक चीज़ और, मैं सैमसंग E50 का ग्लास कैसे चेंज करता है मैं उसका भी वीडियो आप लोग को जल्दी ही दूंगा। मेरा एक दोस्त का है जिनका सेट टूट गया है, मैं जल्दी ही आप लोगों को दूंगा उसका भी। बहुत भाइयों के पोलराइज़र कट जाते हैं, डिस्प्ले टूट जाती है, भाई करने की ट्रिक होती है, टूटता को नहीं है, करने की ट्रिक होती है। संयम से करोगे और बिल्कुल जल्दीबाजी में करोगे तो ज़रूर फोल्डर टूटेगा भाई, सीधी बात है। जल्दीबाजी में पहले मुझसे भी टूटा, ऐसा नहीं है कोई सीख के नहीं आता है, धीरे ही धीरे होता है। देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, देख रहे हैं, एक भी नहीं बचा हुआ। वीडियो अच्छी लगी और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलिएगा। इससे क्या होगा, जो मैंने वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले।